एडवांस लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिन से मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर मेरी जो मशीन है उसका बॉबिन वेंडर रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, तो वो क्या खुल गया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि सर मेरे को बॉबिन वेंडर के बारे में बताया जाए कि किस प्रकार से उसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों उनकी ज़रूरत को समझते हुए मैं मानता हूँ कि कहते हैं कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा जब तक काम नहीं बिगड़ता, हम मशीन रिपेयर करना नहीं सीख सकते। ये नहीं है कि हम वीडियो देखकर करना शुरू किया, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इसको संभल करना। जैसे अब मेरे जो मित्र हैं उनके कमेंट के अनुसार मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास बॉबिन वेंडर खुला हुआ पड़ा है, मेरे को मिला तरह से, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दिया जाए। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो है हिस्सा जिस पर रबर चढ़ी हुई होती है इसके अंदर ये जो होल दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए ये जो होल दिख रहा है, ये जो नोक है ये हमको इसमें निकालनी है। तो इस प्रकार से हम इसमें डालेंगे इसको, स्प्रिंग को ये डाल दिया और इसको इस प्रकार से ले लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसको लगा दिया है, इसको इसकी स्प्रिंग थी इसको इस प्रकार से कर दिया। और दोस्तों फिर क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है इसको हम इससे दबा देते हैं, किसी पेचकस वगैरह से इसमें डाल देंगे ताकि ये आराम से बैठ जाए। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो व्हील है इस व्हील को और ये वाला जो हिस्सा है, देखिए हमारा ये हिस्सा इस प्रकार से रहता है ना। देखिए दोस्तों अगर आप इस तरह लगा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आप ये देखिए कि मेरा इस तरह से लगा रहता है, ये इस तरह से, ये देखिए ऊपर से हम प्रेस करते हैं तो ये दबता है इस तरह। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर हम स्क्रू घस देते हैं, इसके अंदर ये स्क्रू होगा दोस्तों, अंदर एक पड़ा होगा। देखिए दोस्तों ये जो स्क्रू है हम इसके अंदर इसमें निकाल लेते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से हम इसको डाल देंगे बॉबिन वेंडर, ये देखिए। ठीक है दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको लगा देते हैं, इसके अंदर इसी प्रकार से हम इसको लगा के थोड़ा सा स्प्रिंग को नीचे करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें इसको इसको स्प्रिंग को इस तरह लगाते हुए स्प्रिंग को इस प्रकार से इसको इसके साथ चिपका देना। देखिए इस प्रकार से ही चिपका रहेगा ताकि स्प्रिंग के जो प्रेशर होगा वो कम पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स अब इसको हम यहाँ से कसना शुरू करते हैं, ये कस दिया। ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए ये आ गया इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ये स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंगों का खेल है दोस्तों इसमें, ये है ये देखिए अपनी मूवमेंट आ गई इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स आप फिर देख लीजिए, मतलब आपको स्क्रू लगा देना है, स्प्रिंग को थोड़ा नीचे करना है, फिर इसको जितनी इसकी क्षमता है इसको कस देंगे कि ये मूवमेंट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा सा इसमें तेल वेल देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं जिसकी इसकी मूवमेंट जो अगर कहीं अटकेगी, ये देखिए तेल डालते एकदम फ्री हो गया है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हिस्सा है ये अब ये देखिए ये कहाँ अटकता है, ये हमारा किस काम का आता है, किस काम से प्रॉब्लम होती है, किस प्रकार से ये लगता है। अब हम ये ऐसे देखेंगे इसको लगा के ऐसे को देखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो हिस्सा होता है ये गिर्री के ऊपर आता है, यहाँ करके गिर्री के ऊपर आता है, बॉबिन के ऊपर आता है, सॉरी गिर्री हम हिंदी भाषा में कहते हैं, एक्चुअली इसका नाम बस बॉबिन। तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार से जैसे ये लगता है हम पहले चेक कर लेते हैं इसको, ये इस प्रकार से लगना चाहिए, देखिए इस प्रकार से ये लगना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये स्प्रिंग है, इसको इस ऐसे किया, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर हम स्प्रिंग डाल देते हैं, ये जो स्प्रिंग है ये वाली ये इसके अंदर हम लगा देते हैं इस प्रकार से, ये लगा दिया। ठीक है अब हम क्या करेंगे, ये जो हुक है इस प्रकार से हम रखेंगे और देखिए हमने इसके अंदर बोबिन लगा दी, ये क्या ये लगा दिया है, स्प्रिंग डाल दी है। देखिए स्प्रिंग इसमें अंदर होल था, फिर दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए ये होल है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर होल दिखेगा आपको, ये इस होल के अंदर हमको स्प्रिंग लगा देनी है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से लगा दी और ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो हिस्सा है इसके ऊपर भी एक छेद है, ये देखिए ऊपर भी छेद है, जो ऊपर वाले स्प्रिंग का हिस्सा है हम इसमें
लगा देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से लगाने के बाद इस नट को इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे। देखिए ये इस प्रकार से लिया और इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा पीछे लेकर दोस्तों ये इस प्रकार से हमने इसमें लगा दिया। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये स्प्रिंग से निकल गया है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसके अंदर। ये स्प्रिंग में लगा दिया, स्प्रिंग बार बार निकलेगा। अब देखिए दोस्तों मैंने इसको कस दिया है, इसमें स्क्रू लगा देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब इसके अंदर हम इसके जस्ट नीचे इस प्रकार से इसको कस देंगे। ये देखिए ये हुक इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कस देते हैं दोस्तों। ये देखिए स्प्रिंग निकलनी नहीं चाहिए बिल्कुल, जो स्प्रिंग निकल गई तो आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों ये आपका बॉबिन वाइंडर रेडी हो गया। ये ऊपर यहाँ से दबाया इसको, ये नीचे आ गया। ये देखिए बॉबिन अंडर इसके ऊपर बॉबिन लगाओ और उसको कसना शुरू। अब इसको हम अपने हिसाब से ये कस के इसको व्हील के ऊपर लगाएंगे मशीन के ऊपर। फिर अपने हिसाब से जितना ज़रूरत है, जैसे व्हील पे टच होता है उसको घुमाते जाएंगे, वैसे व्हील पे टच होता है तो अपना बॉबिन अंडर रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर बॉबिन चढ़ चुका है और ये आपका बॉबिन अंडर रेडी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, अपने मित्रों को बताइएगा। जहाँ तक आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे को आशीर्वाद भी देते हैं। और मैंने सुना है कि मेरे इस वीडियो को देखने कम से कम 500 से 600 लोगों ने कम से कम अपनी शॉप भी डाल ली है, सेल एंड सर्विस भी यूज़ कर दी। चलो दोस्तों मैं आपके किसी काम आ सका तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्रोत्साहित करने के लिए। और दोस्तों एक आपसे शिकायत ये है मेरी कि आप कमेंट तो करते हैं, सर आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मेरे को लाइक नहीं मिलता, क्योंकि पता चल जाता है जब मेरे पास कमेंट आता है कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया है या नहीं किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप अगर मेरी वीडियो को आपको पसंद आता है तो कमेंट के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मेरा चैनल है वो ग्रोथ करे। और जो मेरे चैनल पर नया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की जो घंटी है उसको पक्का दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों मैं शुरू में कभी नहीं कहता मेरे चैनल को लाइक करिए, मैं हमेशा लास्ट में इसलिए कहता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करिएगा। अगर आपको अब पसंद आया तो लाइक चाहता हूँ, देखता हूँ दोस्तों मेरे को कितने लाइक मिलते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।